सुनिएगा, कहते हैं देखिए मेरे पास दो फरमाइश हैं, उनको ही मैं आज रखूंगी। बोली सच्चे दरबार की। कहते हैं क्या, एक रोज जंगल से निकले, एक रोज जंगल से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, और एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर में हड्डी चुभी, पैर में हड्डी चुभी तो हड्डी के ये बयान थे। पैर में हड्डी चुभी तो हड्डी के ये बयान थे। अरे चलने वाले चल संभल कर, चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, अरे हम भी कभी इंसान थे, थे और जो पीते हैं हरि नाम का प्याला, जो पीते हैं हरि नाम का प्याला वो गिरते हैं बाबा की गोदी में जा। आइए सबसे पहले जो फरमाइश है उस भजन को रखती हूँ। बोली सच्चे दरबार की। जिस भजन ने मुझे पहचान दी, जिस भजन ने मुझे पूरे देश में एक पहचान दी, बेटी क्या संतान नहीं, उसकी एक फरमाइश है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बेटियों के लिए, जो इतना नाम रोशन इस भारत में करती है, इस भारतवर्ष की बेटी जो इतना नाम करती है, उन बेटियों के लिए सुनिएगा। कहते हैं क्या, के दुनिया में जन्म लेकर जब घर में आती है बेटियां, दुनिया में जन्म लेकर जब घर में आती है बेटियां, माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां, कालों में महाकाल कराती है बेटियां, कालों में महाकाल कराती है बेटियां, और माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां। सुनिए कहते हैं, सबको बेटा चाहिए तो बेटियां कहां जाएंगी, सबको बेटा चाहिए तो बेटियां कहां जाएंगी, ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। दुनिया में जब एक दिन, दुनिया में जब एक दिन बेटियां ना नजर आएंगी, दुनिया में जब एक दिन बेटियां ना नजर आएंगी, तो आपके बेटों की
बहुए कहाँ से आएंगी। तो कहते हैं सुनिए, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बताओ बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। क्या हो क्या बात हो, बहुत दिनों बाद मिले, बहुत समय हो गया। अब एक के पास बेटे ही बेटे और एक के पास बेटी ही बेटी। अब दोनों की हाय हेलो हुई, दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो जाता है। दोनों आए, अब बेटे वाले ने बेटी वाले से पूछा, भैया तुम्हारे कितने बालक हैं? बेटे वाले ने बेटी वाले से पूछा, भैया तुम्हारे कितने बालक हैं? रेणु देवी जितेंद्र। तो बेटी वाले ने कहा, दरबार में आए, मेरे पास सुंदर सी दो गुड़ियाएं हैं, मेरे पास सुंदर सी दो गुड़ियाएं हैं। अब जिसके पास गुड़िया थी, दो बेटी थी, उसकी एक बेटी अपने पापा के साथ आई थी, वो उन अंकल जी की बात सुन रही थी कि मेरे पापा के दोस्त क्या कह रहे हैं। अब बेटी वाले ने बेटे वाले से पूछा, भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बेटी वाले ने अब बेटे वाले से पूछा, भैया तुम्हारे कितने बालक हैं? तो बेटे वाले ने कहा कि मेरे पास दो बेटे हैं, मेरे पास दो बेटे हैं। अच्छा हुआ बेटी नहीं हुई, अरे ये तो बोझ होती है। बोझ कह के उन बेटियों को बुलाया। देखिए आज भी मैं सबके लिए नहीं कहती, लेकिन गांव में इलिटरेट जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वैसे तो जनरेशन हमारी एजुकेटेड हो रही है, लिटरेट हो रही है, लेकिन आज भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और अधिकतर महिलाएं, मैं पुरुषों को इतना दोष नहीं देती, अधिकतर जो महिलाएं हैं
वो भेद करती है। जब बेटा हो जाए तो बड़ी खुशी बड़ा आनंद मनता है, और जब बेटी हो जाए तो हमारी अम्मा बाहर बैठ के कह में बोझ आयो बोझ, ये धारणा लोगों की है। अब जब उसकी उसने कहा मेरे पास दो बेटे हैं, बड़े गर्व से कहा बड़ा अच्छा हुआ बेटा दिए हैं बेटी नहीं हुई, तो उस बेटी ने कहा जो अपने पापा के साथ आई थी, उसने कहा अंकल जी मेरी बात गौर से सुनना, अगर उस बात उस बेटी की बात अच्छी लगे तो आपसे भी तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी कि अंकल जी किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, क्योंकि बेटियों से चलता है घर और परिवार। एक बार उस बेटी की बात अच्छी लगे ताली बजा के 1 2 3 4 दिन वो कुल से तो कुल का नाता जोड़ेगी, जोड़ेगी कहते हैं भक्तों मंदा मीठा मीठा, जो करना सका बेटा वो कर जाती है बेटियां, जो करना सका बेटा वो कर जाती है बेटियां, और एक कुल को बचा सका ना बेटा दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां। और मीठी मीठी ताली से जब वो बेटी विदा होती है तो विदा होकर एक बात कहती है, क्या ओ बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ओ बाबुल की दुआएं तुझको सुखी संसार, बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं सुखी। जब एक बेटी अपने घर से विदा होती है ना तो हर दहलीज हर आंगन को लांग कर विदा होती है, जब एक बेटी अपने घर से जाती है ना बड़े बड़े लोगों के आंसू निकलने लगते हैं, तो कुछ और उसकी माँ रोती है, उसके पापा रोते हैं, उसका भाई रोता है, और जो जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया है वो जानती है। मैं देख रही हूँ कुछ माता बहनों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये आंसू नहीं ये भाव है जो हृदय से खुद पर खुद निकलते हैं। जब एक बेटी जाती है ना तो सबको दुआएं देके जाती है कि मम्मी पापा मैं जा रही हूं मुझे माफ करना, जो गलती मुझसे हो गई हो मुझे माफ करना। पहले अपनी माँ से मिलती है जो माँ उसे बहुत लाड़ करती है, वो माँ इतना रोती है ना कोई बता नहीं सकता, माँ कितना प्रेम अपने बेटी को करती है, और वो माँ इतना रोती है बहुत, वो माँ रोती है। दूसरे नंबर पर वो बेटी अपने भाई से मिलती है, वो भाई जो एक पिता होने का फर्ज भी निभाता है, एक भाई जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, और वो बहन अपने भाई से मिलती है बहुत रोती है, बहुत वो बेटी
कहते हैं माता जी कि माता कभी हम कितने वृद्ध हो जाएं, बेटी कितनी वृद्ध हो जाए, लेकिन माई का कभी बूढ़ा नहीं होता। बेटी कितनी भी वृद्ध हो जाए, बड़ी अम्मा औरतें कहती हैं कि मेरे माइके की गली कैसी होंगी, अब तो हमसे चला भी नहीं जाता, मेरा माइका कैसा लगता होगा। इसीलिए तो कहती हूं, हर आंख आंसू बहाती है जो वो बेटी घर को लांग कर विदा होती है। लास्ट में वो अपने पिता से प्यार करती है, उनसे मिलती है। एक बाप जो बिल्कुल सोचता है कि मैं बिल्कुल नहीं रो सकता, लेकिन वो बाप सबसे ज्यादा रोता है जब उसकी बेटी जाती है। जब बेटी अपने बाप से मिलती है ना, अपने बाबू राजा से मिलती है, जो दिखाता है कि वो बिल्कुल नहीं रो रहा, वो बाप अपनी बेटी के पल्लू से लिपट कर इतना रोता है, इतना रोता है, बहुत रोता है। इसीलिए तो कहती हूँ, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। माइके की कभी ना याद आए, माइके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। माइके की कभी ना याद आए, ससुराल सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप माने ना माने, किसी बेटी के यहां से कुछ आ जाए उसको ये मत कहना कि तेरे पिताजी ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्योंकि एक बाप जब वो बेटी बचपन में पैदा होती है ना, तब से लेकर उसकी शादी तक जोड़ता है। एक बाप जमीन पर सोलेगा, लेकिन भक्तों बेटी को चाहता है अच्छा वाला बेड दे दूं। एक बाप पैदल यात्रा कर लेगा, लेकिन चाहता है अपनी बेटी को गाड़ी दे दूं। एक बाप झोपड़ी में रहकर टाइम गुजार लेगा, लेकिन अपनी बेटी को चाहता है बंगला दे दूं। उस बाप की कभी बुराई मत करना भक्तों। जब जीवन में वो पैदा होती है ना और शादी लायक होती है, तब तक वो बाप अपनी बेटी के लिए जोड़ता है। जिसने अपनी बेटी दे दी हो, अरे उससे क्या मांगोगे? जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया हो, उससे क्या मांगोगे? इसीलिए तो कहती हूँ, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। और ओ बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। जय हो, क्या बात है।
बेटी कहने लगी क्या, बाबुल मेरा पीहर छूटा जाए, बाबुल मेरा अंगना छूटा जाए, ओ बाबुल मेरा पीहर छूटा जाए, बाबुल मेरा अंगना छूटा जाए। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, वो रोके ना मुझे रुलाए, खुद समझे औरों को समझाए, खुद समझे औरों को समझाए। जब एक बेटी जाती है तो माता कुछ सीख देती है, क्या कहती है माँ, आपकी माँ ने भी कहा होगा, एक सीख देती हूँ बेटी, एक सीख देती हूँ बेटी, सास ससुर की सेवा करना, एक सीख देती हूँ बेटी, सास ससुर की सेवा करना, और लगे पति को ठेस कोई, लगे पति को ठेस कोई, ऐसा कोई काम न करना। वो बेटी कहती है माँ, मैं जा रही हूँ परदेश, मैं जा रही हूँ परदेश, माँ अपना रखना ध्यान, और जो गलती हो गई हो मुझसे कभी, जो गलती हो गई हो मुझसे कभी, उसको करना माँ, क्यों माँ क्यों कर देना मुझे माफ, क्यों कर देना क्यों, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा देश, परदेसी हो गए। और बाबुल राजा, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब कुछ तो नजर आएगा, रे बाबुल हम ना नजर आएंगे, अरे हम ना नजर आएंगे, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, अरे छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए, वो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश। बेटा साथ को छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, जोड़ेगी जिस दिन कुल कुल से कुल का नाता जोड़ेगी, जोड़ेगी जिस दिन वो कुल से तो कुल का नाता जोड़ेगी, जोड़ेगी देखिए भजन अंतिम चल रहा है। मैं इसीलिए क्यों कह रही हूं, मेरे भाई लोग बुरे नहीं होते, मेरे भाई श्रवण कुमार जैसे हुए, भरत जैसे हुए, श्री रामचंद्र जैसे हुए, महाराणा प्रताप हुए, लेकिन मेरे भाइयों बात मेरी बहनों की चल रही है, इसीलिए कह रही हूं।
क्योंकि बेटी भी अपने पिताजी को अपनी माता को इतना ही प्यार करती है जितने मेरे भाई करते हैं, इसीलिए इतना ही प्रेम बेटी करती है जितने मेरे भाई करते हैं। उन बेटियों को बोझ मत समझिएगा, अगर मेरी बात इतनी आप मानते हो तो उन बेटियों को बोझ मत समझिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। इसीलिए तो कहती हूँ क्या, बेटा साथ को छोड़ भी देगा बेटी साथ न छोड़ेगी, जोड़ेगी जिस दिन वो पुल से दो पुल का नाता जोड़ेगी, जोड़ेगी जो से बढ़कर जग में कन्यादान से कन्यादान से बढ़कर जग में कन्यादान से जग से दूजा कोई दान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। इसीलिए कहती हूँ बेटा बेटी एक बराबर बड़ा ना कोई छोटा है, और जो दोनों में अंतर समझे वो नियत का खोटा है, और नियत के खोटों की सोचो मानो तुम इंसान नहीं, और बेटा बेटी एक बराबर ना समझो तो तुम इंसान। उठाइए दोनों हाथ जो अपनी बेटियों से सच्चा लगाव सच्चा प्रेम करते हो, कोई हाथ ना बाकी रहे, और कहिए क्या, अरे बेटियां तो महान होती है हो, दरबार की।